अलवर लोकसभा क्षेत्र में 6 मई को द्वितीय चरण के तहत मतदान होना है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। चुनाव को देखते हुए 26 बटालियन फोर्स अलवर पहुंच चुकी है। इनकी ड्यूटी संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर के एसपी डॉक्टर राजीव प्रचार की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर जिले की 11 विधानसभाओं में निष्पक्ष और निर्भीक मतदान को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा की गई है। एसपी डॉक्टर राजीव प्रचार ने बताया कि जिले में भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज ये ब्रीफिंग सेशन रखा था, बेसिकली विधानसभा चुनाव में जो बल आया है अपने जिले से बाहर, राज्य की दूसरी शाखाओं से, दूसरे जिलों से, और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो बल बाहर दूसरे स्टेट से आया है, उनको चुनाव के संबंध में जो सामान्य दिशा निर्देश है, उनकी ड्यूटी है, उनके डूज डोंट्स हैं, उनके बारे में बताया गया, उनकी समस्याएँ, उनके ठहरने, लॉजिस्टिक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। वो अच्छे से ठहरें और अपनी ड्यूटियों को कैसे अच्छे से